ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की पड़ताल तह तक। खबर रोहतास जिले के चिनारी से है। यहाँ के एक 16 वर्षीय लड़की को दो मनचलों ने अगवा कर लिया तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद छोड़ दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि 18 अगस्त को लड़की को उस समय बाइक सवार दो मनचलों ने अगवा कर लिया जब वो सिलाई सीखने जा रही थी। बताया जाता है कि बाइक पर दो लड़कों ने जबरन उसे बैठाकर सासाराम लाया तथा सासाराम में किसी किराए के मकान में 4 दिनों तक रखा। इस दौरान युवक ने लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया। इस संबंध में पीड़ित के परिजन ने 22 अगस्त को चिनारी थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने फिलहाल रेप के आरोपी दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को मेडिकल जांच के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया है। पूरे मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। यहां तक कि पीड़ित लड़की मेडिकल जांच कराने आई चिकित्सक डॉक्टर नीतू कुमारी ने बताया कि एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। साथ ही पीड़ित लड़की ने पूरी घटनाक्रम महिला के साथ साझा भी की है। लड़की जैसा बता रही थी कि 9:30 बजे वो जा रही थी 18 तारीख को, और जैसे वो सिलाई सेंटर जाती थी, एक महीने से वो सीख रही है। रास्ते में दो लड़के थे बाइक पे बैठे हुए, उसको जबरदस्ती वो मिली, उसको जबरदस्ती उन लोग बाइक पे बैठा के बाइक से ही उसको सासाराम तक ले आए। सासाराम में कहीं रेंट पे ये घर लिया हुआ था, उसी में उसको ताला बंद करके रखा। और 18 तारीख को जिस दिन पहले दिन ही गई, उसके साथ 2 बार जबरदस्ती किया गया है। उसमें मुसन नाम का जो लड़का है वो किया है, दो लड़कों के साथ गई थी वो। फिर उसके बाद 2 दिन उन्होंने 4 दिन उसको रखा उसी कमरे में, और 23 तारीख को 3 बजे उसको चिनारी स्टेशन पुलिस स्टेशन पे उसको छोड़ दिया। 22 तारीख को उसके घर वालों ने FIR करवाया। क्या नाम है? डॉक्टर नीतू कुमार। फोटो खींच रहा सर।